बड़हरिया प्रखंड के बड़हरिया जामो रोड स्थित अल नजीर बिल्डर्स एंड ट्रेडिंग कंपनी के कार्यालय पर अल नजीर सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का उद्घाटन कंपनी के चेयरमैन मोहम्मद शेफुल्ला ने किया। ट्रस्ट की तरफ से 105 गरीब व असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं इस मौके पर चेयरमैन ने कहा कि गरीबों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसने काम में सबको बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। आगे भी ट्रस्ट लोगों की भलाई के लिए इस तरह के काम करती रहेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करता हूँ जी, और दूसरा मेरे फादर हाजी नज़ीर अहमद और मेरे बड़े भाई मोहम्मद शफी, जिन्होंने हमको ये जिम्मेदारी दिया ट्रस्ट को रन करने के लिए। तो उन लोगों के लिए मेरे तरफ से सलूट है, उन्होंने इस काबिल हमको समझा। और अल्लाह जी ट्रस्ट के लिए सबसे पहले मैं कुछ एक शेर बोलना चाहता हूँ। एक दुआ है खुदा से, किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से। एक दुआ है खुदा से, किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से। एक खुदा कर दे कुछ ऐसा इनायत मुझ पे, खुशियाँ ही मिले सबको मेरी वजह से। तो ये खुशियाँ जो है ना, सबको मेरी वजह से इस ट्रस्ट के थ्रू आपको मिलेगा। इस ट्रस्ट का विज़न ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को ऑपरेट किया जाए, जिसका घर नहीं है उसका घर बनाया जाए। और ये ट्रस्ट के अंदर एक हॉस्पिटल चलाया जाए, आने वाले टाइम में हॉस्पिटल भी बनेंगे इंशाल्लाह। हॉस्पिटल बनाने यही बढ़िया ही नहीं अंडर 10 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग को यहीं पे कुछ भी हॉस्पिटल चाहे स्कूल जो है प्लानिंग जो अपने होम टाउन में ही करके खुशी होती है, जो कि आप देख रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले हम लोग अपने होम टाउन को ही डेवलप करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इस ट्रस्ट के थ्रू काफ़ी सारे गरीबों को, जिसको है कि काफ़ी सारे गरीब हैं जिनके आँख में प्रॉब्लम है, देख नहीं सकते, मज़दूर आदमी है, आँख भी यहाँ पे कैंप लगवाएंगे। हर महीने 2 कैंप इंशाल्लाह लगेगा, तो उसमें सबका ट्रीटमेंट होगा। और एक क्वेश्चन आता है मेरे अंदर कि एक मजदूर जाता है सुबह काम करने के लिए और शाम में आता है तो मात्र 300 या 400 रुपया लेके आता है। तो अपना राशन पानी जो है कि महंगाई के दौर में आप समझ सकते हैं कितना सर्वाइव फैमिली को कर सकता है। तो वो खाता है, पीता है और कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो ट्रीटमेंट नहीं करा सकता अपना, बेहतर उपचार नहीं हो पाता, वो खाने पीने में ही ख़त्म हो जाता है। और दूसरे दिन वो मजदूरी करने नहीं जाता है तो वो भूखा रह जाता है। अच्छा, भूखा रह जाता है तो आप सोच के देखिए, सब पड़ोसी का हक है कि ये चीज़ आपके बगल मतलब पड़ोसी भूखा ना सोए, और वो भूखा सोता है तो फिर बहुत दुख होता है इस तरह का। तो इस तरह का ये हमारा सोच है कि काफ़ी सारे दोस्तों को मैं जोड़ा हूँ, सबको जिम्मेदारी दिया हूँ कि सब लोग पता करें उनके जो भी इस तरह के असर सिवान जिले में, उनके बीच आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कैसे वो आपसे संपर्क करें, कैसे वो आपके लिए? देखिए, ये ट्रस्ट जो है किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम मस्जिद में भी चंदा देंगे, मंदिर में भी देंगे, चर्च में भी देंगे। तो ये ट्रस्ट सबके लिए है, जो भी मजबूर हैं। तो इसके लिए हम ऑफिस सेंट्रल बैंक के ऑपोजिट साइड में एक ऑफिस बना रहे हैं।